केंद्र सोलंकी आपको सीधे विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया संबोधित करें। भरतपुर, अजमेर, उदयपुर संभाग मुखिया पर समकेतिक बाल पुनर्वास केंद्रों की स्थापना स्वयं सेवी संस्थाओं से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। चरण कब आएंगे और पूरा कब होगा, ईश्वर जाने। फिर आपने कहा बजट 19-20 में पैरा 92 में उदयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में, आपने उदयपुर के 2021 के भाषण में पूछना आपके अधिकारियों को कि उदयपुर से जैसमंद से पानी लाने के लिए 251 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, पाइपलाइन बदलेगी। पाइपलाइन तो छोड़ो, उसका कहीं एक पत्थर लगा हो या कुछ आगे बढ़ा हो तो वो फाइल दिखा देना कि उसमें आपने किया क्या है। अभी आपने बजट भाषण में इस पैरा संख्या जो है ना 162 में फिर उदयपुर को आपने कृत्य कृत्य किया और आपने लिखा कि उदयपुर में यातायात सुगम व्यवस्था, वो 50 करोड़ जो पहले पड़े थे वो, और अभी जो आपने बताया प्रताप नगर फोर लैंड पर, और इन सब मिलाकर के 150 करोड़ रुपया, भगवान के लिए ये तो मेरे UIT के बजट में पड़ा ना जो 4 तारीख पहले पेश हो गया, उसमें ये सारा प्रोविजन है कि नहीं है। आपने UIT के बजट को ही हमारे खाते में दिखाकर उदयपुर वालों को ताली बजाने के लिए 150 करोड़ की यहाँ घोषणा की क्या? बजट 19-20 पैरा मैं करता हूँ, ये एक नहीं मेरे पास आने के, मैं आपको और दिखाता हूँ कि वास्तव में आपकी इन घोषणाओं का होता क्या है। अभी आपने देखा कि ये गौशालाओं के बारे में आपने बहुत कहा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैंने आपकी जो सारी प्रगति रिपोर्ट जो देखी है, इस प्रगति रिपोर्ट में 2016-17 से ही 90 दिन का पैसा इन गौशालाओं को जो पंजीकृत है इनको मिल रही है। पहले 122, फिर 180, फिर 176, फिर 18-19 में 207 करोड़ रुपया मिला। जब आप आए ना, उस आप आने पर तो केवल और केवल है ना, ये अप्रैल, मई और जून की एक किस्त आपने ज़रूर भेजी है, उसके बाद अभी आपका कोई पैसा नहीं गया है। और आपने इस बजट में लिखा है कि 295 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, लेकिन वो ज़मीन पर गया नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अभी इसी तरह से आप पेरा, ये जो गायें पकड़ी जाती है या जो बैल पकड़े जाते हैं इनको बुचड़ खाने में जाने से बचाने का एक प्रोविजन कर रखा हमने, उसमें भी आपने लगभग 2 करोड़ रुपया 15-16 से रखा हुआ है। और हमारे टाइम पर लास्ट जो है ना 6,863 ऐसी अवैध जो जा रही थी उनको बचाया आपने। अभी 19-20 में केवल 2,123 ऐसे जानवरों को बचा करके उनको गौशाला में भेजा है, और अब की बार तो आपने कोरोना आ गया था उनको भी, इसलिए केवल 625 जानवर केवल और केवल इस वध से बचने के लिए आपने उनको भेजा है। मैं सोचता हूँ कि आपने रजिस्ट्री में छूट दी 10% की, आपने है ना DLC कम की, तो यार महिलाओं ने क्या गुनाह किया था जो हमने महिलाओं को, अगर अपनी रजिस्ट्री महिला के नाम से होगा तो हमने वसुंधरा जी ने 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी थी, अब आपके इस कानून से वो 1% भी उस महिला का ख़त्म हो गया है। अगर आपका मन हो तो इस पर विचार कर लेना। अब ये जो बिजली कंपनी का घाटा, ये तो मैंने उधर का घाटा है, बिजली कंपनी की जो दशा है उस पर सीरियसली विचार करो। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन इन सब लोगों को संभालो, ये हमारी जेब काट रहे हैं और उसके बाद भी दिवालिया हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ कि सच में आपका या मेरा भी जो घर का बिल आता है ना, मैं उदयपुर से जाता हूँ यहाँ जयपुर से, अगर मेरे डब्बे में पड़ा रहता है तो मैं पहले उस बिल के नीचे का आंकड़ा पढ़ता हूँ। मैं रामधर्म से कह रहा हूँ, नाम बाद में पढ़ता हूँ, मेरे पड़ोसी का भी डाल गया हो तो मुझे इतनी, फिर उसको देख के मेरे को भय लगता है कि किस तरह से हमारी ये जो हो रहा है। और ये बिजली कंपनियाँ, जब हमने आपको राज सौंपा था ना, तब ये केवल और केवल 15,000 करोड़ के घाटे में थी कि नहीं थी? आपने जब वापस राज हमको सुपुर्द किया 13 में, तब ये बिजली कंपनी 28,000 करोड़ के घाटे में हुई। उसके बाद आपने देखा होगा कि वसुंधरा जी ने उदय योजना का केंद्र सरकार से लाभ लेकर के 62,421 करोड़ रुपया जमा करा के इस दिवाली कंपनी को फिर से बिजली देने के लायक बनाया था। और आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे जवाब के समय जवाब देना, ये बिजली कंपनी आज की तारीख में 80,500 करोड़ से अधिक के घाटे में वापस चली गई है। ये है हमारी व्यवस्था।
और आपने जो पैसे बढ़ाए ना, किसी बड़े आदमी को बढ़ाता तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो आदमी केवल 50 यूनिट जलाता, केवल 50 मतलब एक बल्ब उसके घर में होगा, उस आदमी को भी सालाना बिल जाता है 4,350 रुपये का। हर महीने उसको 1500 रुपये का बिल जा रहा है, क्या वो दे सकता है? मैं सोचता हूँ इस पर विचार करना चाहिए। 100-150 यूनिट तक में अगर कुछ घाटा भी पड़े तो कम से कम उस गरीब को मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता हमको निकालना चाहिए। और 51 से लेकर 150 तक में जो बिल जाता है अभी आपका, जो बिजली विभाग की जो विभिन्न जो पैसे जोड़ के भेजते हैं ना, वो 14,940 करोड़ का जाता है। 15,000 करोड़ रुपया 150 यूनिट तक जो बिजली जला रहे और बाकी का तो 59,000 और पता नहीं कितना है। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि जो बिजली हम 1 रुपया 15 पैसे से लेकर 1 रुपया 80 पैसे में खरीदते हैं और राजस्थान के इन छोटे कंज्यूमर को हम 12 और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ऐसा क्या हो, ऐसा कोई व्यापारी नहीं कर सकता कि जो इस प्रकार का मुनाफा कमाए एक यूनिट पर 4 रुपया 15 पैसा और 4 रुपया 80 पैसे में आप खरीदते हो और जो आप बेच रहे हो वो 8 रुपये से लेकर 12 रुपया और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों के पास पहुंच रहा है, ये कोई न्याय नहीं है। और मैं सोचता हूं कि इन सब प्रांतों में, चाहे वो हरियाणा ले हो, दिल्ली ले हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब में अधिक से अधिक पंजाब में 7 रुपया 72 पैसा प्रति यूनिट और हमारे यहाँ है 13 रुपया 31 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम को सुधारे बिना ये कंज्यूमर को और किसान को नहीं बचा सकते। अब आप जल जीवन मिशन की बात करते हो, मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार की मंशा है कि कम से कम जहाँ हो सके टूटी से सब लोगों को अच्छा पानी मिले, इसके लिए योजना बनाई और 24 तक ये कहा कि सब लोगों को आप टूटी से पानी दो, जो पैसा हमको देना है वो पूरा बजट हम देंगे। और राजस्थान में हमको 1,10,00,000 परिवार जो आपके उस लिस्ट में सेलेक्ट हुए हैं जिनको जल जीवन मिशन के तहत टूटी का कनेक्शन देना है, और आपने 1/4/20 तक पूरे राजस्थान में जो कनेक्शन दे रखे हैं वो 12,76,000, और अभी आपने इस योजना के आने के बाद 23/2/21 तक जो आपने कनेक्शन दिए हैं उन 12,76,000 को भी जोड़ लो और आपने 17,32,000 कनेक्शन दिए, इसका मतलब केवल और केवल 5,00,000 के बराबर आप नए कनेक्शन इसमें दे सके। पैसा आपके पास था, 21-22 के बजट में आपने जो रखा है वो 2,522 करोड़ रुपया रखा है, सरकार के पास जो प्रारंभिक शेष बचा था पिछले साल का वो 995 करोड़ रुपया बचा था, भारत सरकार के द्वारा आपको 630 करोड़ रुपये की एक किस्त और मिल गई, आपने अभी तक खर्च किया है केवल 536 करोड़ रुपया, मतलब 33% पैसा आपके पास होने के बाद भी आप इस पैसे को बुक नहीं कर पाए और आज की तारीख में आपके पास 1,088 करोड़ रुपया इस फंड में आया हुआ पैसा बचा है। महाविद्यालय शिक्षा की महाविद्यालय मंत्री जी, घोषणा करना तो बहुत आसान है, करो कोई चिंता नहीं, पर मैं बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आपने इन दो बजटों में और अभी तीसरे बजट में 88 कॉलेज तो पहले खोल दिए, 31 कॉलेज अभी आप खोल रहे हो, मुझे आप इसमें लाइन खींच के बता देना कि ये जब 88 कॉलेज हमने खोला इनमें कितने स्टाफ के लिए आपने कितना पैसा रखा हुआ था, इनके लिए बिल्डिंग के रखा था पैसा तो बता देना, नहीं रखा तो 0 लगा देना, अगर उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है उसका कोई हेड खोल करके पैसा रखा हो तो बताना। केवल और केवल लोगों को ये कि तुम्हारे यहाँ कॉलेज, तुम्हारे यहाँ कोई प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, कोई सामुदायिक केंद्र में चल रहा है, कोई कहाँ चल रहा है, क्या कॉलेज है, मजाक है? कोई प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग भी भगवान की कृपा से राजस्थान में, अब आप सरकारी स्कूल का कोई मिडिल स्कूल भी देखो ना, तो मैं जिस MB कॉलेज में पढ़ा उसकी जितनी लंबाई है ना आज की तारीख में उस मिडिल स्कूल की बिल्डिंग की इतनी बड़ी लंबाई है, उन कॉलेजों को आप ऐसी जगह चला करके उन बच्चों को क्या देना चाहते हो, इसके बारे में आप विचार करो। मैं सोचता हूँ ये अभियांत्रिक विद्यालय है, मेरी बात को नोट करना मंत्री महोदय, ये जो 11 अभियांत्रिक सरकारी अभियांत्रिक विद्यालय कह रहा हूँ, महाविद्यालय जो कह रहा हूँ, वर्तमान बजट में इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है और 7 महीने से वहाँ के स्टाफ को एक नए पैसे का वेतन नहीं मिल रहा है।
अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन जिम्मेदार? आखिर जो नौकरी पैसा का आदमी है वो आखिर अपने बच्चों को कैसे पालेगा? अगर गलत हो तो बता देना। ये जो मेट्रो का जो हाथी आपने बांधा है ना, और वो भी आपने सारे नियमों की अवहेलना करके बांधा। दुर्भाग्य ये है कि आपने जो ट्रैफिक लोड दिखाया वो कुछ और दिखाया योजना को स्वीकृत करने के लिए, और हकीकत आई वो कुछ और आई। अब तक 3100 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गया, लेकिन ट्रैफिक लोड जो आपको सामान्यतः उसको मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। अभी भी कोरोना को छोड़ दो, कोरोना के पहले की बताता हूँ मैं आपको, पहले भी हमारे यहाँ प्रतिदिन 19,000 का लोड आ रहा था, और अब जो है ना हमारा जो रेवेन्यू है वो हर महीने का केवल 9% रेवेन्यू आ रहा है। हमने 35 करोड़ रुपया सालाना घोड़ा इस राजस्थान के ऊपर बांधा है जिसका उपयोग नहीं हो रहा। कारण यह कि ट्रैफिक लोड लेने के लिए आपको निश्चित रूप से उस स्थान तक बढ़ाना पड़ेगा जो टोंक रोड को कवर करे, सांगानेर को कवर करे, तब जाकर के फिजिबल होगा। बाकी ये फिजिबल नहीं होगा, और आपने एक मनी बना लिया। मैं सोचता हूँ कि आप इसके बारे में विचार करना जरूर। इसका कारण क्या कि सभी जगह केंद्र सरकार से इसमें सहयोग राशि मिली, भारत सरकार के साथ जॉइंट वेंटेचर बनाकर काम कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण से जो केंद्र सरकार से पैसा हमको मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है। अब कर्मचारियों के संबंधित मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने जो है ना वो DC सामंत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है, और कमेटी ये है कि उनकी वेतन विसंगतियाँ और जो बाकी परेशानियाँ हैं उसको निपटने के लिए वो करेंगे। उन्होंने 19 में आपको रिपोर्ट सुपुर्द कर दी, वो रिपोर्ट आपके पास है। अभी वो कहाँ पड़ी है? अलमारी में है, तो संभालो दूल्हा झाट को। अगर करने की मंशा हो तो करो, नहीं तो वापस दफ्तर दाखिल करो, कम से कम खबर तो पड़े। अभी आपने पेंशनर को, मैं सोचता हूँ कि पेंशनर के जीवन में जो मेडिकल है वो उस उम्र में सबसे बड़ा आवश्यक है, लेकिन उसको साल साल भर का मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है। या तो आपने मौखिक आपकी ट्रेजरी को बता रखा है कि इनके बिल नाश नहीं करना, और नहीं बता रखा है तो आप किसी भी उदयपुर ज़िले के पेंडिंग बिल, आज की तारीख में कितने लोगों का कितने समय का पेंडिंग बिल है आपको समझ में आ जाएगा। अब ये JNAN की भर्ती है, ये पहली बार चमत्कार हो रहा है कि इसको राजस्थान के बाहर सेंटर लगाए, ऐसा क्या हो गया है? नो, ये नकल हो जाएगी। नकल तो करने वाला जितना गिरोह पकड़ा ना वो राजस्थान के नहीं है, उन सबके तार बाहर हैं। और आपने इन बच्चों को कहाँ कहाँ भेज रहे हो आप? है ना, दिल्ली में 6 सेंटर, पंजाब में 2, गुजरात में 6, महाराष्ट्र में 3 और मध्य प्रदेश में 6। क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ जो RPSC के जो आगे करता वो योग्य नहीं है, करा नहीं सकता है? अब तक तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं, पर आपको समस्या आई। अब आपको मैं एक नमूना बताता हूँ, मुझे नाराज मत होना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने जो है ना 4 गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा की, कहाँ? जो दिवंगत हमारे साथी हो गए, या तो मुझे भी दिवंगत होना पड़ेगा कॉलेज खुलाने के लिए, यही लगता है।